आपको बता दें, मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वो वक्त है जब आपको अपना अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो मौसम है जब आपको अपना ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी आपको बीमार कर सकती है। कहते हैं गर्मियों में खूब पानी पीना चाहिए, साथ ही खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको बताएं तो डॉक्टरों के मुताबिक कई बीमारियों की वजह विटामिन्स की कमी होती है। विटामिन्स की कमी हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है। तो आज की इस खास खबर में हम आपको बताएंगे कि विटामिन की कमी की वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है और उसके बचाव के लिए क्या क्या खान पान में शामिल करने की ज़रूरत है। शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ए शरीर के अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, दांत, मसूड़ों और हड्डियों को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर आँखों की बीमारियाँ होती है, जैसे रतौंधी, आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे। विटामिन ए रक्त के कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में भी मदद करता है, हड्डियों को मजबूत करती हैं। शरीर में विटामिन ए की कमी ना होने के लिए चुकंदर, गाजर, पनीर, दूध, टमाटर, हरी सब्जियां, पीले रंग के फल खाने चाहिए। ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं। इनके सेवन से कभी भी विटामिन ए की कमी नहीं होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन डीएनए को बनाने में मदद करते हैं। इसके लिए कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, बी ए, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन और बी ट्वेल्व। यह बुद्धि, रीढ़ की हड्डी और नसों के कुछ तत्वों को बनाने में मदद करता है। रेड ब्लड सेल का निर्माण भी इसी से होता है। इसकी कमी से त्वचा की बीमारियां, अनीमिया, मंदबुद्धि जैसे कई खतरनाक बीमारियां हो सकती है। शाकाहारी लोगों में इसकी कमी आम बात हो जाती है, क्योंकि यह विटामिन ज़्यादातर जानवरों में पाया जाता है। विटामिन बी ज़्यादातर मांसाहारी पदार्थों जैसे मछली, मीट, अंडा आदि में पाया जाता है। शाकाहारी लोग इसकी आपूर्ति दूध और इससे बनी चीज़ों वाले उत्पादों से कर सकते हैं। इसके अलावा ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियों के रूप में भी पाया जाता है विटामिन बी। आगे हम बात कर लेते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी मानव शरीर के सामान्य कामकाज के लिए बहुत आवश्यक है, जो कि हर तरह के सिट्रस फल में जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, मौसमी आदि में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से शरीर में थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों के दर्द, मसूड़ों से खून आना जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से शरीर छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी खो देता है। विटामिन सी खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, बेर, कटहल, पुदीना, अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, दूध, चुकंदर और पालक विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा दालों में भी विटामिन सी पाया जाता है। आगे हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणें। अगर सप्ताह में दो बार 10 से 15 मिनट तक शरीर की खुली त्वचा पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं तो शरीर के लिए विटामिन डी की आपूर्ति हो जाती है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मोटापा बढ़ने के साथ ही शरीर में विटामिन डी का स्तर कम हो जाता है। जो लोग मोटापे जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें विटामिन डी की कमी होने लगती है, साथ ही उनका मोटापा भी कम करने में सहायक करता है विटामिन डी। सूर्य विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा दूध, अंडे, चिकन, सोयाबीन और मछलियों में भी विटामिन डी पाया जाता है। और अब हम अंत में बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए रखने में, शरीर को एलर्जी से बचाए रखने की, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है। विटामिन ई अंडे, सूखे मेवे, बादाम और अखरोट, सूरजमुखी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, शकरकंद में पाया जाता है। तो आज हमने आपको विटामिन के सभी तत्वों के बारे में पूर्ण जानकारी दी। आशा है आपके लिए यह जानकारी लाभकारी रहेगी। क्यूरेन आयुर्वेदा से आरती की रिपोर्ट।